नमस्ते। अगर आपका सूर्य राहु के साथ विराजमान है, शनि के साथ विराजमान है, सूर्य अगर राहु के नक्षत्र में है या तो फिर शनि के नक्षत्र में है और अच्छे स्थानों पर नहीं है, यानी कि सूर्य अगर मारक स्थान यानी कि सप्तम स्थान में चला गया है, 12वें स्थान में चला गया है, जहाँ पर सूर्य की स्थिति यह मरण कारक मानी गई है, इसे हम एक प्रकार का पितृ दोष मानते हैं, ग्रहण दोष मानते हैं और पीड़ाकारी सूर्य मानते हैं। सूर्य वैसे तो काफ़ी सात्विक ग्रह माना गया है और सूर्य यह सभी ग्रहों का राजा है। सूर्य देवता को अगर हम प्रसन्न कर पाते हैं तो जीवन में अधिकतम कठिनाइयाँ हमारी बहुत आसान हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि किसी भी ग्रह की उपासना अगर नहीं हो रही है, परंतु अगर आप सूर्य ग्रह को प्रसन्न कर रहे हो, रोज सूर्य की उपासना करते हो, तो अवश्य आपको सूर्य के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि जिससे काफ़ी हद तक आपको सूर्य को प्रसन्न करने में आसानी रहेगी। जैसे कि पोस्ट पोजीशन नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, कुंडली में कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है, शनि सूर्य की युति है, इससे कितनी भी आपकी परिस्थिति स्ट्रांग होने के बावजूद भी आगे बढ़ने में आपको कठिनाइयों का सामना अगर करना पड़ता है, तो ये सब के लिए दो प्रकार के उपाय बताए गए हैं। मनुस्मृति में इसको सौम्य विधि कहा गया है। सौम्य विधि का अर्थ ये होता है कि सूर्य जिस दिन सौम्य हो जाता है, ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है कि जिस रविवार के दिन रोहिणी नक्षत्र होता है, हालांकि रोहिणी नक्षत्र यह वृषभ राशि में आता है, तो जिस दिन रविवार है और रोहिणी नक्षत्र है, उस दिन सूर्य को सौम्य अवस्था में माना गया है। उस दिन आपने या तो सूर्य की प्रतिमा या तो सुबह के सूर्य को, जैसे ही सूर्योदय होता है तो उसे लाल रक्त चंदन युक्त पानी से, धूप दिया और रोज़ फ्रेग्रेंस यानी कि गुलाब के सुगंध वाली अगरबत्ती से आपको उसकी पूजा करनी है, सूर्य की पूजा करनी है, और इसी के साथ आपने पायसम या तो भात की खीर जिसको बोलते हैं, चावल की खीर पायसम बोलते हैं, चावल की खीर बोलते हैं, राइस पुडिंग बोलते हैं, जो हम लोग हमेशा एक श्राद्ध के रूप में भी बनाते हैं और अच्छा कुछ चीज घर में त्योहार आता है तब भी हम बनाते हैं, तो इसका खास करके नैवेद्य यानी इसका प्रसाद आपने खास करके सूर्य भगवान को अर्पण करना है। सूर्य को यह बेहद ज़्यादा पसंद है क्योंकि वह रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का कहीं ना कहीं आगमन हुआ है। रविवार के दिन, यहाँ मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली रविवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का आगमन हुआ है, तो इसीलिए यह चावल की खीर प्रसाद के रूप में देके पूरे परिवार ने मिल बांट कर यह खाना है। यह अगर इसके लिए आपको रोहिणी नक्षत्र की राह देखनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप हर रविवार को भी यह उपाय करते हैं, यानी संडे टू संडे, कोई भी ऑड नंबर्स में 5, 7, 9, 11 आप इसका उपाय जरूर कर सकते हो, इससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी। यह टेस्टेड रेमेडी है, मैंने काफ़ी लोगों को यह उपाय दिया है और मैंने काफ़ी उस हद तक उसका फ़ायदा पाते हुए भी लोगों में देखा है, तो आप अवश्य इसका प्रयोग करें और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।